हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि हम कंप्यूटर को मोबाइल के साथ कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपने गूगल क्रोम को ओपन करना है। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद आपने यहां पे सर्च करना है रिमोट कंट्रोल डेस्क टॉप। सर्च करने के बाद आपने क्रोम रिमोट डेस्कटॉप लिंक के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद रिमोट डेस्कटॉप की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो यहां पे नीचे लिखा हुआ है सेटअप रिमोट एक्सेस। तो रिमोट के साथ इसको एक्सेस करने के लिए इसको सेटअप करना पड़ेगा हमें। तो नीचे जो एरो का सिंबल दिया हुआ है, डाउनलोड एरो का, उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक न्यू विंडो ओपन होगी। न्यू विंडो ओपन होने के बाद यहां पे हम क्रोम रिमोट डेस्कटॉप जो है उसको ऐड करेंगे, एड टू क्रोम। तो इसे क्रोम ब्राउजर में हम ऐड कर लेंगे। तो ऐड एक्सटेंशन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ये देखिए ऐड हो चुका है। तो इसने बाय डिफॉल्ट ये कंप्यूटर जो नेम है इसको उठा लिया उसने। तो नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पे आपने एक पिन सेट करना है 6 डिजिट का पिन सेट करना हमने 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। आप कोई भी डिजिट एंटर कर सकते हो। तो मैं एक बार आपको दिखाने के लिए कर रहा हूं 1 2 3 4 5 6। तो यहां पे नीचे आपने फिर से री एंटर करना उसको। तो स्टार्ट बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। तो ये देखिए स्टार्ट हो रहा है, नीचे शो हो रहा है हमें स्टार्टिंग। तो ये देखिए ऑनलाइन हो गया ये। तो अब इसे हमने मोबाइल पे भी इंस्टॉल कर लेना है क्रोम रिमोट डेस्कटॉप को। तो मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए हम मोबाइल पे भी इंस्टॉल कर लेते हैं। तो आपने जाना प्ले स्टोर पे। तो यहां पे आपने सर्च करना है क्रोम डेस्कटॉप कंट्रोल। तो ये देखिए क्रोम रिमोट डेस्कटॉप लिखा हुआ है। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है तो मैं इसको ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के बाद ये देखिए बाय डिफॉल्ट उसने सर्च कर लिया है डेस्कटॉप को, कंप्यूटर को। तो इसके ऊपर क्लिक करते हैं। जो पिन कोड हमने कंप्यूटर में सेट किया है वही पिन कोड हमने मोबाइल में भी फिल करना है। ये देखिए ये देखिए तो हमारा मोबाइल कंप्यूटर के साथ कनेक्ट हो चुका है। ये देखिए उसकी डेस्कटॉप जो स्क्रीन है वो दिखाई दे रहा है। ये जो ब्राउजर हमने ओपन किया हुआ है गूगल क्रोम कंप्यूटर में, तो ये दिखाई दे रहा है हमें मोबाइल में। तो इसको हम और भी एक्सेस कर सकते हैं। ये देखिए दिखाता हूँ, ये देखिए कंप्यूटर की स्क्रीन, ये इसकी डेस्कटॉप स्क्रीन है और इसके ये आइकॉन्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। तो
इसके साथ इसके माउस को मूव कर सकते हैं हम लोग, तो कंप्यूटर को इसमें इजीली यूज असेस कर सकते हैं। ये देखिए, तो इमेज ओपन कर रहा हूँ मैं, ये देखिए इमेज भी ओपन हो गई। तो नीचे देखिए वो आपको दिखाई दे रही होगी, कंप्यूटर में भी वो ओपन हो चुकी है ग्लोटो टेक्निकल की, जो मैंने इमेज ओपन की है। तो इसी तरह आप कंप्यूटर को मोबाइल के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं माउस के साथ, ये देखिए। तो इसी तरह आप असेस कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और नीचे कमेंट भी दीजिए आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।